दोस्तों, अगर आप भी एबी डिविलियर्स को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2019 का सातवां मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच बेंगलोर के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला गया। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर मुंबई को बल्ला थमाया और मुंबई के ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत भी की। कप्तान रोहित शर्मा और विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के बीच पहले विकेट के लिए सातवें ओवर की तीसरी गेंद तक 54 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, तभी डी कॉक 23 रन बनाकर युजवेंद्र चहल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। पहला विकेट गिरने के बावजूद रोहित शर्मा का तूफानी शो जारी रहा, लेकिन बाद में रोहित शर्मा भी 48 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद युवराज सिंह आए और तहलका मचाकर रख दिया। उन्होंने चहल के ओवर में 3 लगातार छक्के मारकर अपना पुराना रंग दिखाया। आखिर में वो 10 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आखिरी के ओवरों में हार्दिक पांड्या ने धमाल मचाया और 14 गेंदों में 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसी के साथ मुंबई ने आरसीबी को 188 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया। दोस्तों, बेंगलोर के लिए फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए तो उमेश यादव और मोहम्मद सिराज की झोली में 2-2 विकेट आए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इसके जवाब में आरसीबी की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके चौथे ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली आउट हो गए। इसके बाद पार्थिव पटेल भी आउट हुए और फिर आए क्रीज पर हम सब के चहेते एबी डिविलियर्स। अब दोस्तों, आपको बता दें, इस मैच में डिविलियर्स ने एक ऐसा छक्का मारा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। जी हाँ, दरअसल पारी का 11वां ओवर लेकर आए मुंबई की स्पिनर मयंक मारकंडे और उसकी चौथी गेंद पर डिविलियर्स ने वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक करारा छक्का जड़ दिया। इस छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम डिविलियर्स के नाम से गूंज उठा। आपको बता दें, डिविलियर्स और कोहली के बीच शानदार साझेदारी बन रही थी, लेकिन फिर बुमराह के ओवर में विराट कोहली कैच आउट हो गए और आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, कोहली 32 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, वैसे आपको डिविलियर्स का ये छक्का कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए। बाय बाय।